अरावली विहार थाना पुलिस ने डंपर लूट में वांछित चल रहे दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अरावली विहार थाना अधिकारी जहीर अब्बास ने बताया कि वर्ष 2019 में डंपर लूट के आरोपियों साहून उर्फ काला और आकिब को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पुलिस ने 315 बोर का एक देशी कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये बदमाश अलवर, भिवाड़ी, जयपुर और भरतपुर सहित कई जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। ये दोनों ही आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये दिसंबर 2019 में डंपर लूट की घटना हुई थी। वो एक्चुअली गेहूं से भरी हुई गाड़ी थी, जिसको बदमाश लेके गए थे, जिसमें वांछित चल रहा था साहून उर्फ काला, हरियाणा का रहने वाला, जिसको गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा और कारतूस मिले। इसका साथ ही दूसरा आकिल, वो भी रिठट का रहने वाला है, उसके कब्जे से दो कारतूस मिले। और इन्होंने पूछताछ में यहाँ के अलावा जयपुर, भरतपुर, भिवाड़ी जिले में वारदात करना स्वीकार किया। हाईवे